Hello, welcome students. You are watching mathematics class on exercise triangles. So I am discussing on a right angle triangle. So first of all, आपको यह पता होना चाहिए कि right angle triangle क्या है. मान क्योंकि मैंने सबसे पहले triangle का drawing बनाया, ठीक है. तो इसमें ये जो है ये हमारा 90 degree है. तो मैं समझ जाऊंगा कि जो 90 degree के opposite side में जो होते हैं इसको हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज. ओके, क्या लिखेंगे? हाइपोटेन्यूज को हम तो क्या लिखते हैं? एच. ये हमारा क्या है? परपेंडिकुलर. ये हमारा क्या है? बेस, जिसको हम लोग बी लिखते हैं. ओके, ये आपको ब्रेन में रखना है. तो याद रखना, राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री होते हैं. तो इसके लिए हमें जो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं वो है पाइथागोरस थ्योरम से हम लेते हैं. तो वो फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला है आपका हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. ये आपका फॉर्मूला है. ओके, तो अब इसमें आपको एक चीज ख्याल रखना है. जो हाइपोटेन्यूज होते हैं वो सबसे लार्जेस्ट साइड होते हैं. क्या होते हैं? सबसे लार्जेस्ट साइड होते हैं. बाकी जो दो अदर साइड बचे वो क्या होते हैं? स्मॉलर साइड होते हैं. क्लियर हो गया? अब मैं एक बात करता हूं. मान के चलो कि क्वेश्चन नंबर 1 का 1 यहाँ पे ये फोटो दिया हुआ है. ओके, ये 90 डिग्री लिखा है. यहाँ पे दे दिया है 8 सेंटीमीटर, यहाँ पे दे दिया है 6 सेंटीमीटर. तो आपको साफ दिखाई दे रहा है 90 डिग्री में कौन सा साइड आता है? सेकंड साइड में एक होता है परपेंडिकुलर, दूसरा बेस. तो वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट? हाइपरटेनिस. हमें क्या निकालना है? हाइपरटेनिस निकालना है. उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि ये जो एक स्क्वायर टाइप जो नजर आ रहा है ये वाला, तो ये आप समझ लीजिए कि ये क्या है? 90 डिग्री है. तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हुआ. तो फिर हम इसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? देखो, वी नो क्या लिखेंगे? हाइपरटेनिस इक्वल टू क्या? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. ओके, तो इसमें आपको क्या नहीं मालूम? इसमें आपको हाइपरटेनिस मालूम नहीं, क्योंकि 90 के जो ऑपोजिट में जो साइड होते हैं वो क्या होता है? आपका हाइपरटेनिस होते हैं. तो ये हमें नहीं मालूम. ओके, तो मेरा परपेंडिकुलर कितना है? 8. बेस कितना है? 6. ओके, जब मैं इसको सवाल करूंगा तो ये आ गया. क्लियर हो गया ना? अब हमारा आंसर कितना आता है? यहाँ पे देखो 100 आता है. लेकिन मुझे क्या निकालना है? हाइपरटेनिस निकालना है. तो मैं समझ गया कि हमारा जो आंसर है हाइपरटेनिस वो कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर. आप देख रहे हो कि 10 जो है वो 8 और 6 सेंटीमीटर से क्या है? बड़ा साइड हो गया. तो ये आपका हाइपरटेनिस 10 सेंटीमीटर आ गया. इन दिस वे वी गेट वन हाइपरटेनिस. ओके, अब क्वेश्चन नंबर जो 2 का 1 है, मान के चलो ये आपका ट्राइंगल दिया है. यहाँ पे लिखा है 5, यहाँ लिखा 3, यहाँ लिखा 4. इसमें आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि वेदर इट इज राइट एंगल ट्राइंगल और नॉट. हमें ये पता करना है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं है. तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये जो राइट एंगल, ये जो ट्राइंगल जो दिया है, इसमें हमें ये भी नहीं पता कि राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं है. पर हम इसमें, मेरा सबसे पहला काम क्या है? पहले हम इसमें देखेंगे सबसे बड़ा कौन है. तो मैंने देखा कि सबसे बड़ा साइड कौन है, तो मैं यहाँ लिखूंगा हियर. क्या लिख दिया इसका? हियर. क्या बना दिया इसका? हियर द लार्जेस्ट साइड इज, इसमें सबसे बड़ा कौन है? 5 सेंटीमीटर. ओके, अगर इसको मैं स्क्वायर, अगर मैं इसको स्क्वायरिंग कर दूं तो मेरा क्या हो जाएगा? बोलो, 25 आ गया. ये क्लियर हो गया. बाकी दो जो बचे वो क्या हो गया? स्मॉलर साइड. तो उसको हम ले लेते हैं द अदर टू स्मॉलर साइड्स आर क्या है? 4 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर. ये जो दो जो छोटे हैं ना, इसको हम क्या करेंगे? दोनों को हम इसको क्या बनाते? देखो, सम ऑफ क्या लिखा मैंने यहाँ पे? स्क्वायर ऑफ क्या? स्मॉलर साइड. सम ऑफ स्क्वायर ऑफ स्मॉलर साइड. तो स्मॉलर साइड कौन सा हो गया? 1, 4. उसका स्क्वायर निकाल लो. दूसरा हो गया 3.
उसका भी स्क्वायर निकाल लो। देखो 16 + 9 कितना आया, 25। हम देखेंगे जो लार्जेस्ट साइड में मेरा कितना आया था, 25। अब इसमें सम ऑफ स्क्वायर्स वाले साइड में भी क्या आ गया, 25। तो मैं समझ गया कि कैसे लिखेंगे। देखो स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट साइड इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू स्मॉलर साइड। मैं रिमेनिंग टू भी लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके क्या है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू स्मॉलर साइड। तो इसमें क्या इक्वल आ गया, देखो 25 इक्वल टू 25 बराबर आ गया। जब ये बराबर आया, जब ये बराबर आते हैं तब हम इसको क्या लिखेंगे, देयर फोर वी कैन से इट इज वन राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये क्या बन जाएगा, देयर फोर इट इज क्या राइट एंगल ट्राइंगल, ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। तो इस तरह से अगर बाई चांस ये अगर इक्वल नहीं आते तो फिर ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं होगा। आप दिमाग में रखिएगा, सम ऑफ लार्जेस्ट साइड इक्वल टू सम ऑफ द रिमेनिंग अदर रिमेनिंग टू साइड्स मस्ट बी व्हाट, इक्वल। ओके हमेशा क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो इस तरह से आप इसको सवाल करोगे। आई होप सो यू विल डू इट एट होम, देन सी यू अगेन, बाय बाय।